हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया है, डाइवर्सिटी के बारे में अपन ने थोड़ी सी बात की थी, लिविंग वर्ल्ड क्या है उसके बारे में अपन ने थोड़ी सी बात की थी। ओवरऑल इंट्रोडक्शन वाला पूरा पोर्शन अपना हो चुका है। और आज के सेशन में जिस टॉपिक की अपन बात करने जा रहे हैं वो अपने पास होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस अपन ने डिस्कस कर लिया है पहले से ही। लिविंग क्या होता है, कुछ डिफाइनिंग जो प्रॉपर्टीज थी जिसमें कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, कॉन्शियसनेस वगैरह हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, क्लियर है। वो सब कुछ अपन ने डिस्कस किया था कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा और कौन सा नॉन लिविंग में मिलेगा, मतलब डिफरेंस की अपन ने बात कर ली। अब डाइवर्सिटी की जो अपन यहां पर बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहां जो इसकी बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी मींस वेरिएशंस, सिंपल सा आपको समझना है। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अपने आसपास आप देखेंगे तो प्लांट हो सकता है, दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं, मेमल्स हो सकते हैं, फंगस वगैरह हो सकता है। थोड़ा सा आपको आइडिया भी होगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था आरएच व्हिटेकर सर ने जो दिया था उसका आइडिया आपको थोड़ा सा होगा। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसके लिए जो टर्म यूज में लेते हैं वो अपन यूज में लेते हैं डाइवर्सिटी। और क्योंकि अपन टर्म यूज में ले रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसीलिए से अपन सिंपल सा क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी मिल रही है इसीलिए से सिंपल सा अपन ने बोल दिया है बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ बायोडाइवर्सिटी की जो अपन बात कर रहे हैं, इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर अपन देखेंगे, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है वो यहां पर अपन सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट यहां से अपन चलते चलेंगे। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग एनसीईआरटी तो बाद में पढ़िएगा, अभी आपको अपना नोटबुक लेके साथ में बैठना है। नोटबुक लेके बैठेंगे, जो भी मैं यहां पर बता रहा हूं उससे आप नोट करते हुए चलेगा, आसानी से एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी बाद में पढ़िएगा, एक आध दो पॉइंट में आपको यहां से एनसीईआरटी से बाहर लेके चलूंगा, लेकिन क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना है अपन को, ठीक है ना। एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर से पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक दो पॉइंट, क्लियर है। तो स्टार्ट अपन करते हैं, सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। उससे पहले जो डाइवर्सिटी की अपन बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म यहां पर मिल सकते हैं। लगभग अपन बात करें जो नंबर ऑफ स्पीशीज की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग नंबर ऑफ स्पीशीज 1.72 1.8 मिलियन से, जो नॉन स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो आपके पास कितनी है, 1.72 1.8 मिलियन अभी तक इतनी नॉन है। और भी इससे ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट का कि इतनी या इससे ज्यादा अभी भी ऑर्गेनिज्म है या स्पीशीज है जिनको डिस्कवर करना बाकी है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, जैसे जैसे रेंज बढ़ती है, ठीक है, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में भी अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्पीशीज की अपन ने बात कर ली, 1.72 1.8 मिलियन जो स्पीशीज है वो आपको सिंपल सा मिले, और अलग अलग लोकेशन में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही लोकेशन पे, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर हो सकता है अलग ऑर्गेनिज्म मिले, जहां मैं रह रहा हूं वहां पर क्या हो जाए, अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सिंपल सा आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना, फर्स्ट पॉइंट 1.72 1.8 मिलियन की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इनके क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन नोट करते हुए चलिएगा, आसानी से समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन की अपन जो बात कर रहे हैं ये जरूरी है, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के जितने भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए मेरे इलाके में कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, वो आपके में भी मिल रहा है, आप अलग से उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, मैं अलग से कर रहा हूं, मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी देखी, मैंने अपनी पूरा लाइफ निकाल दिया उसके पीछे, और आपने भी निकाल दिया, मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला, एक सेम ऑर्गेनिज्म मिला। तो क्लासिफिकेशन की नीड इसीलिए हुई थी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके सारे कैरेक्टर्स का पता लगा लिया है, तो किसी एक स्पेसिफिक जगह पर आपने उसको रख दिया, वो एक टाइप से क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन कि नीड आपको सिंपल सी क्यों हो रही है। आगे और पॉइंट आएंगे, तो यहां पर क्या होगा, आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, उसके बाद उसका अरेंजमेंट आपने कर दिया, जिससे आने वाला जो भी साइंटिस्ट है, न्यू जनरेशन से, उनको उनके कैरेक्टर्स की स्टडी करना क्या हो जाए, इजी वहां पर हो जाए, ठीक है।
उसके बाद में अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन हो रहा है, लेकिन क्लासिफिकेशन की नीड अपन को क्यों है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा अपन यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की नीड अपन को क्यों है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो कुछ एक बेसिक पॉइंट है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, सीधा सा आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो स्टडी, इजी स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन की नीड है, स्टडी आपकी क्या हो जाएगी, इजी यहां पर हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की अपन बात करेंगे नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन, ठीक है, नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन। थर्ड पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो थर्ड पॉइंट आपका जो क्लासिफिकेशन की नीड यहां पर हो रही है वो है सीक्वेंस ऑफ एवेल्युएशन। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो अपन को नहीं पता चलेगा एवेल्युएशन। एवेल्युएशन क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसे ही एवेल्युएशन अपन कहते हैं। ठीक है, 12th क्लास में आता है, डिटेल्स है, सिंपल से आपको समझना है। तो अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन के सीक्वेंस की, अगर क्लासिफिकेशन मुझे नहीं पता, मान लीजिए मैं होमो सेपियंस हूं, मुझसे पहले कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जो थे जिनसे मेरा डेवलपमेंट हुआ मुझे उनका पता है, लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंस मुझे नहीं पता कि पहले एप आए थे, मंकी आए थे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, मुझे अगर ऐसा कुछ भी नहीं पता है, ये जो मैं टर्म बोल रहा हूं होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस, ये अपने क्या है, एंसेस्टर है, पूर्वज है होमो सेपियंस के, अगर मुझे इनके बारे में नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत। तो क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, जो एवोल्यूशन का सीक्वेंस है उसके लिए भी अपने को इसकी नीड है क्लासिफिकेशन की, ताकि अपन को पता चल सके कि अपने पहले क्या था, क्या क्या उनमें चेंजेस हुआ कि अपन जो है ये ऑर्गेनिज्म बना स्पेसिफिक टाइप। थर्ड टाइप की नीड की जो बात, फोर्थ टाइप की नीड की अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, जो दोनों टर्म लिखी है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। फाइलोजेनेटिक में अपने जो आपने सुना होगा एक तरह से पेडिग्री सुना होगा, पेडिग्री एनालिसिस आपने सुना होगा, सेम वैसा ही। एवोल्यूशन में अपन एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर में चेंजेस हुए, और फाइलोजेनेटिक में देखते हैं कि उनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट है, आपको इस आसानी से इसे आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नीड की, तो वो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में आपको पता चला है तो उनको आप कहां रखेंगे कि आपकी स्टडी आसान हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो डिस्कवरी आप करेंगे, उसके बाद में उसका क्या होगा, क्लासिफिकेशन यहां पर होगा। तो ये जो फाइव पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, स्टडी के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, फाइलोजेनेटिक रिलेशन के बारे में, न्यू ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसीलिए आपको क्या है, क्लासिफिकेशन की नीड है। ठीक है, सिंपल सा आप समझ जाएंगे इस। अब उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, इसकी बात करेंगे अपन, नेक्स्ट बात करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एंड दूसरा आएगा सिस्टमेटिक, सिस्टेमा नेचर एक टर्म भी आएगा एनसीईआरटी का, उसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपके पास टैक्सोनॉमी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं यहां जो टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूं वो आपके पास एक साइंस की ही ब्रांच है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी की बात है, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब उसको आपको पहचानना है, उसका नोमेनक्लेचर करना है, उसके नेमिंग वगैरह अपन को करना, बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण उसका करता है ना, तो नोमेनक्लेचर उसका करना है, और उसके बाद में उसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो इन तीनों को जिस ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में अपन स्टडी करते हैं उसे सिंपल सा अपन कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे, सिंपल सा टैक्सोनॉमी है क्या, तो टैक्सोनॉमी जो है ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, सिंपल सा मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, जो क्या करता है, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर
प्रोसीड्यूर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लियर है? तीनों टर्म को आपको ध्यान में रखना है, तीनों टर्म को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ये आगे इनको डिटेल से अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा आइडिया हो गया है, उसके बाद में नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने यूनिवर्सल रूल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे नेमिंग से रिलेटेड, और क्लासिफिकेशन सिंपल सा जो सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज है उसके बेसिस पर अपन क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन यहाँ पर सिंपल सा कर देंगे। तो टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें इन तीनों को अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद में जो टैक्सोनॉमी टर्म है इसकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो एक ग्रीक टर्म से आया है टैक्सिस से, और टैक्सिस का सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसीलिए एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर चलने की मैंने बात की। और नोमोस जो होता है, टैक्सोनॉमी जो लिखा ना यहां पर, ये नोमो, इस नोमोस की जो अपन बात कर रहे हैं उसका मतलब सिंपल सा आपके पास होता है जिसे अपन कहते हैं लॉ। ठीक है? सो अरेंजमेंट के जो भी लॉज है उसे अपन कहते हैं टैक्सोनॉमी। अरेंजमेंट के जो भी लॉज है उसे अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। क्लियर है? ये आपका सिंपल सा हो जाएगा, क्लियर। और ये जो टर्म है ये किसने दिया था, इस टर्म की अगर अपन बात करें तो ये आपको दिया था एपी डे कैंडोल। ठीक है? एपी डे कैंडोल ने ये जो टर्म है वो दिया था। इतना सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना? टैक्सोनॉमी टर्म का मतलब बता दिया, टैक्सोन की जो बात करें वो अरेंजमेंट है, और नोमोस जो आपके पास लिखा है वो क्या है, रूल्स है, लॉज की बात कर रहे हैं वो, इसमें अरेंजमेंट के जो भी रूल्स है उसकी स्टडी अपन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद में अगर अपन आगे चले सिस्टमैटिक्स की बात करें, एक दूसरा टर्म यहां पर और यूज में लेंगे अपन, सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे। अब इस सिस्टमैटिक्स की जो अपन यहां पर बात कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, ये जितने भी अभी मैंने टर्म आपको बताया जिसमें आपका क्या हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, नोमेनक्लेचर आपके पास हो चुका है, ठीक है, या एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री आपके पास है वो हो चुका है, वो क्या करता है, इन सब के साथ में डील करता है। क्या करता है? इन सब के साथ में वो क्या करेगा, सिंपल सा डील करेगा, जैसे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इन सब के साथ में वो क्या करेगा, डील्स करेगा। जबकि पहले में टैक्सोनॉमी में अपन ने बात की थी जो प्रिंसिपल है, ठीक है, टैक्सोन का मतलब क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल, नोमोस का मतलब प्रिंसिपल, उसके साथ में डील करा। लेकिन सिस्टमेटिक क्या करता है भाई साहब, जो आपके पास साइंस की ही एक ब्रांच है जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन या जो एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म की, उसके साथ में क्या करता है, डील करता है। आ रही बात समझ में? इसके साथ में आपको क्या कर लेना, एक टर्म और एड कर लेना है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो टैक्सोनॉमी में आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल्स की अपन ने बात की है, सिस्टमैटिक्स में आपने जो भी क्लासिफिकेशन था, नोमेनक्लेचर था या जो आइडेंटिफिकेशन था उसके साथ में अपन ने क्या किया, एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो भी अपन यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करें। ठीक, इन दोनों टर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिस्टमैटिक्स भी अभी आगे आएगा, सिस्टम एंड नेचर लीनियस साहब ने कुछ बताया था उसके बारे में, ठीक है, कुछ पब्लिकेशन था उसका यहां पर, सिंपल सा रोल है। अब यहां पर आगे अपन चलते हैं तो ब्रांच देखते हैं, टैक्सोनॉमी की जो ब्रांचेस है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आपको जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम जो अपना थर्ड चैप्टर है उसमें कुछ आपको टर्म मिलेंगे, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जो थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम उसके इंट्रोडक्शन में जब आप चलेंगे तो वहां पर कुछ आपको टर्म मिलेंगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड,
उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी एनसीईआरटी में आप जब पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर में भी वहां पर अपने पास आ जाएगा कि कौन कौन सी ब्रांचेज है टैक्सोनॉमी के या जो क्लासिफिकेशन के जो रूल्स है उसकी। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं वो आता है अपने पास क्लासिकल, सबसे फर्स्ट जो अपने पास आता है वो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, और जिसे अपन कहते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिकल और अल्फा टैक्सोनॉमी की जो बात करते हैं तो ये आपके पास सिंपल से ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी मींस जो विजिबल है, दो कान एक नाक दो आंखें दो हाथ, ये सब विजिबल है, सेम ऐसे प्लांट में फंगस में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो विजिबल कैरेक्टर्स है उसको आप स्टडी कर रहे हो जिस ब्रांच में टैक्सोनॉमी की, तो उसे अपन कहते हैं क्लासिकल और अल्फा टैक्सोनॉमी। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट। दूसरे की जो बात कर रहे हैं वो आपके पास है नेचुरल टैक्सोनॉमी, नेचुरल टैक्सोनॉमी, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर किसी भी टाइप की नेचुरल सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज हैं, तो उसे अपन पढ़ेंगे नेचुरल टैक्सोनॉमी। उसके बाद में थर्ड की जो बात करते हैं वो अपने पास है फाइलोजेनेटिक, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। फाइलोजेनेटिक की जो बात कर रहे हैं, ये जो टर्म लिखा है मैंने, ये आपको प्लांट किंगडम में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो फाइलोजेनेटिक मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया है, इसके अंदर जो रिलेशन है उन्हें भी दो ऑर्गेनिज्म की जो बात कर रहे हैं या जनरेशन की बात करें, वन टू नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, उसमें जो रिलेशन है उसे अपन पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी में आप क्या करोगे, जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या जो रिलेशन है उसको यहां पर क्या करोगे, स्टडी यहां पर करेंगे। फिर नेक्स्ट की जो बात करेंगे वो आपके पास आएगा एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट अपन करेंगे जिसमें जेनेटिक जीन्स की बात करें, क्या किसी एक ऑर्गेनिज्म का, यहां जो ऑर्गेनिज्म बताया जा रहा है उसका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो जीन है उससे कोई रिलेशन है या नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन ने क्या किया पता किया उससे कोई रिलेशन है या नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। क्लियर है, इजी सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल टाइम ही एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, आपको सिंपल सा इसका क्या करना है, आइडिया रखना है। नेक्स्ट आता है कीमोटेक्सोनॉमिक, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, थर्ड चैप्टर में आपको मिल जाएगा कीमोटेक्सोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, जो भी आपका बेसिक ऑर्गेनिज्म है, इस कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें उसकी बेसिक यूनिट की बात करते हैं तो सेल है, ये आपको सिंपल सा पता, बहुत सारी सेल जब एक साथ काम करती है, फंक्शन करती है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम, तो जो सेल है या जो टिश्यू है उसमें आपका सेल और टिश्यू में जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो टैक्सोनॉमी है उससे अपन कहते हैं केमोटैक्सोनॉमी। केमो जो टर्म यूज में लिया गया वो किसके लिए यूज में लिया गया, केमिकल्स के लिए ही यूज में लिया गया। केमिकल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आते हैं, माइक्रो मैक्रो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड या साइटोप्लाज्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, केमोटैक्सोनॉमी यहां पर हो जाएगा। उसके बाद में आता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सिंपल सा आपको समझ में आता, नंबर्स की बात करें, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपके पास है, कोई भी टू ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज है कितनी है उसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, नंबरिंग उनकी कर दी, सिमिलरिटीज इतनी है, डिससिमिलरिटीज इतनी है, वन टू थ्री को कुछ भी हो सकता, उसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी, और उस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होगा या जो टैक्सोनॉमी होगी उसे अपन सिंपल सा क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कहेंगे, जो सिमिलरिटीज है उसके बेसिस पे मेनली। फिर उसके बाद में आता है साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो का सिंपल सा आपको मतलब है सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है,
हिस्ट्री ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सेल है उसके बेसिस पे जो आपने क्लासिफिकेशन किया है टैक्सोनॉमी का, वो आपके पास क्या है, साइटोलॉजी। ठीक है, सेल्यूलर की बात कर रहे हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। और लास्ट, सबसे लास्ट में आता है वो है कैरियो टैक्सोनॉमी। कैरियो टैक्सोनॉमी, कैरियन जो टर्म यूज में लेते हैं वो अपन किसके लिए यूज में लेते हैं, न्यूक्लियस के लिए। जो कैरियन टर्म है वो अपन यूज में लेते हैं न्यूक्लियस के लिए। आपने सुना होगा प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। सो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये आपने सुना होगा। कैरियन जो है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब अर्ली टाइप का, पहले का जो न्यूक्लियस होता है उसे अपन कहते हैं प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट का मतलब ट्रू, बाद का जो न्यूक्लियस होता है उसे अपन कहते हैं यूकैरियोट। सो जो न्यूक्लियस की जो अपन यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस की अपन बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है क्रोमोसोम, डीएनए का, तो उसकी स्टडी के बेसिस पर जो टैक्सोनॉमी का टाइप है उसे अपन कहते हैं कैरियो टैक्सोनॉमी। तो आपके पास लगभग 7-8 यहां पर क्या हो चुका है टैक्सोनॉमी के ब्रांचेज है, जिसमें सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे क्लासिकल या एल्फा की, जो सिंपल सी बात कर रहे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके बेसिस पे, ठीक है, सबसे विजिबल जो कैरेक्टर उसके बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन अपन ने किया। उसके बाद में आता है नेचुरल टैक्सोनॉमी, नेचुरल में जो भी आपके पास सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं वो आएगा। फाइलोजेनेटिक, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो सिमिलरिटीज है वो आएगा इसके अंदर। क्यूमो टैक्सोनॉमी में केमिकल, न्यूमेरिकल में नंबर के बेसिस पर जो सिमिलरिटीज शेयर कर रहे हैं, साइटो में सेल की और कैरियो में न्यूक्लियस के। तो ये क्या है, कुछ आपका ब्रांचेज है टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में आपको ये मिल जाएंगे, ऐसा ना सोचे कि फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं है तो इसे पढ़ना जरूरी है या नहीं, पूरी बायो को आप क्या करेंगे इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और एक एक टॉपिक पे चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये आपके पास क्या हो चुका, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी हो चुका है। अब फंक्शन की बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, और एक सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं जिससे आसान अपना काम हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सोनॉमी का मेन फंक्शन क्या है। मेन अपना एम यही होता है टैक्सोनॉमी में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसका नोमेनक्लेचर करना है, उसका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या फाइलोजेनेटिक रिलेशन है वो आपको समझना है, ये मेन अपना एम है, और यही क्या है टैक्सोनॉमी का फंक्शन। लेकिन जो सीक्वेंस है वो किस सीक्वेंस में होता है एक्चुअल, ठीक है, उसके अपन थोड़ी सी यहां पर बात कर लेते हैं कि किस सीक्वेंस में टैक्सोनॉमी अपना काम करेगी। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। बिना आइडेंटिफिकेशन के तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, पहचान नहीं ही नहीं कि ये प्लांट है या एनिमल में, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल है या नहीं, इसमें जो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स है या नहीं। तो मतलब पहले कहने का सिंपल समझेंगे कि आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में ही क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी के फर्स्ट स्टेप अरेंजमेंट की जो बात करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करेंगे, जो भी सिमिलरिटीज हैं या डिससिमिलरिटीज उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद में आपको सिंपल सा करना है नोमेनक्लेचर। अब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, आप उसका क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर, बच्चा पैदा हुआ, लड़का है या लड़की, या अपन ने पहचान लिया है, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसका नाम रखेंगे तनिष या तनिष्का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है, मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा, तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर आपने कर दिया, उसके बाद में सबसे लास्ट में अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है उनका, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, जो भी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, अगर सिमिलर है तो एक ग्रुप में आपने रख दिया और डिससिमिलर है तो अलग में कर दिया, तो आपके पास क्या चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में आपका नोमेनक्लेचर आएगा, और उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, क्लासिफिकेशन यहां पर आए, ठीक है। यह आपके पास सिंपल सा क्या है, टैक्सोनॉमी का एक सीक्वेंस है, ये आपको कभी भी पूछ सकता है, क्लियर है, ये बात समझ में आ चुकी। तो यहां तक आज के सेशन में अपन करेंगे टैक्सोनॉमी का एक तरह से इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो जो नोमेनक्लेचर है वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, दिनेश साहब ने,
उनके कुछ जो रूल्स है चार पांच को यहाँ पर अपन देखेंगे। ट्राइनोमियल भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में शोर में बहुत छोटे से तरीके में एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट में ट्राइनोमियल को इन्होंने क्या किया, कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे। आई होप ये सेशन आपको काफी मजेदार लगा है, जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है। नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं कि ये नहीं है, आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा 100%। ठीक है, तो जो पढ़ा है उसको फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो आज के सेशन में अपन ने डायवर्सिटी की बात की थी, 1.7 to 1.8 मिलियन आपके पास से क्लासिफिकेशन की नीड की, उसके अपन ने बात की थी, स्टडी वगैरह, फाइलोजेनेटिक रिलेशन वगैरह, टेक्सोनोमी की अपन ने बात की थी, टेक्सोन और नॉमस जो इसका मीनिंग अपन ने डिस्कस किया था, उसके बाद में सिस्टमेटिक्स की भी अपन ने बात की थी, उस टेक्सोनॉमी के साथ में जो फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशन आप ऐड करते हैं तो वो सिस्टमेटिक्स बन जाता है। ब्रांचेज की बात की थी, टोटल 7-8 ब्रांचेज अपन ने देखे टेक्सोनॉमी की, और सबसे लास्ट में एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया है टेक्सोनॉमी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिए इसमें आइडेंटिफिकेशन होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, उसके बाद में क्या होगा क्लासिफिकेशन आपके यहाँ से हो जाए। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी रहता तो आपको करना क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मान लो 0.01% आपको डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर इस नाम से सर्च कीजिएगा मुझे, ठीक है, इंस्टाग्राम पर इस नाम से मुझे सर्च कीजिएगा और वहां अपने डाउट की पिक्चर भेजेंगे, केवल डाउट ही, बाकी बातचीत नहीं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नॉमेनक्लेचर टॉपिक के साथ में, एनसीईआरटी पढ़िएगा इसके बाद में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।